हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू सॉ समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। अंदर के क्यूज हैं व्हेन वाज इट, वेयर यू सॉ इट, व्हाट यू सॉ एंड व्हाई यू थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसी कोई चीज़ के बारे में बात कीजिए जो आपने सोशल मीडिया पर देखी और आपको बहुत ही दिलचस्प लगी। ऐसा कब हुआ, आपने कहाँ पे देखी, यानी कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपने देखी। व्हाट्सएप पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा। देर कैन बी अ वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। क्या देखा आपने, व्हाट यू सॉ, और आपको क्यों लगा कि वो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, या जो भी आपने देखा आपको क्यों दिलचस्प लगा। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने एक यूट्यूब चैनल देखी जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि वो चैनल जो थी वो कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए अवेयरनेस स्प्रेड कर रही थी। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से अपनी वैक्सीन ले लें। अगर आपने अब तक कोविड की वैक्सीन नहीं ली है, देन प्लीज़ गो अहेड एंड टेक योर वैक्सीन अपॉइंटमेंट एंड गेट वैक्सीनेटेड। मैंने अपनी पहली शॉट ले ली है और दूसरी शॉट का अभी मैं टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने कंट्री के लिए इतना करें कि कोई भी प्रकार के मिसकंसेप्शंस मन में ना रखे और अपने आप को जल्दी से वैक्सीनेट करवाए। ओनली देन आवर कंट्री एंड आवर वर्ल्ड विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस डेडली कोरोना वायरस। सो जब हमें एक मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे लिखेंगे, व्हेन वाज इट अ मंथ अगो, इफ यू विश यू कैन चेंज दिस टाइम, वेयर यू सॉ इट ऑन यूट्यूब, व्हाट यू सॉ, अ चैनल क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन वैक्सीनेशन, एंड व्हाई यू थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि डिफरेंट था, इंफॉर्मेटिव था, होप और सॉल्यूशंस भी थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे क्यू कार्ड्स के आइडिया की पीडीएफ बुक को ख़रीदना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये बुक सिर्फ सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसमें सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट वन के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन फेज आई वॉज सर्फिंग द यूट्यूब एप्लीकेशन वंस एंड आई केम अक्रॉस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लॉकडाउन के दौरान मैं ऐसे ही यूट्यूब में कुछ वीडियोज सर्फ कर रहा था, यानी देख रहा था, और मेरे सामने एक बहुत ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशन आई। दिस हैपेंड अ मंथ अगो आई गेस, मेरे हिसाब से ये शायद एक महीने पहले हुआ था। इट वॉज अ चैनल विच स्पोक अबाउट पॉजिटिविटी एंड सोल्यूशंस अमिट्स द पैंडमिक। ये जो चैनल थी वो महामारी के दौरान हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी मन से पॉजिटिव रहना चाहिए और सॉल्यूशंस की तरफ सोचना चाहिए, इसके बारे में बात कर रही थी। द चैनल क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड एनकरेज्ड पीपल टू वैक्सीनेट देमसेल्व्स। ये चैनल जागरूकता फैला रही थी कि वैक्सीनेशन का क्या महत्व है और लोगों को प्रभावित कर रही थी, एनकरेज कर रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी कि उनको अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। सो हमने यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर दिया कि हमने करीब करीब एक महीने पहले ये इन्फॉर्मेशन देखी और YouTube पे देखी, क्या था वो भी हमने बता दिया। आई सॉ अ फ्यू वीडियोज ऑफ लीडिंग डॉक्टर्स टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन्स एंड देयर एफिकेसी। मैंने थोड़े बहुत वीडियोज देखे ये चैनल पे जिसमें बहुत ही लीडिंग डॉक्टर्स वैक्सीन्स और उनका कितना प्रभाव है, उनकी कितनी एफिशिएंसी है, एफिकेसी यानी कितनी हद तक वैक्सीन सक्सेसफुल है, उसके बारे में ये डॉक्टर्स वीडियोस में बात कर रहे थे। देन देयर वर वीडियोस ऑफ सोशल वर्कर्स हु अपील्ड टू द मासेस टू गेट देयर शॉट्स एज सून एज पॉसिबल। ये चैनल पे समाज सेवकों के भी वीडियोस थे जो लोगों को अपील कर रहे थे, यानी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको जल्द से जल्द, जितना हो सके उतना जल्दी अपना शॉट यानी अपना वैक्सीन का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। Some videos answered misconceptions of vaccine side effects and some videos dealt with the fear and anxiety associated with the vaccines. कुछ videos vaccine की side effect को लेके लोगों में जो गलतफहमियां थी उसके बारे में बात कर रहे थे, यानी उसका जवाब दे रहे थे, और कुछ videos लोगों में जो डर और चिंता थी vaccine को लेके उसका answer दे रहे थे। So आप यहाँ पर describe कर रहे हो and you are also answering the थर्ड क्यू कि आपने क्या देखा ये पर्टिकुलर चैनल पे। अब आगे देखेंगे।
I really think that this channel was not only interesting but also extremely useful in the current times of fear. अब हम बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ interesting क्यों लगी. मुझे लगता है कि ये चैनल सिर्फ दिलचस्प ही नहीं थी लेकिन बहुत ही यूज़फुल थी, बहुत ही काम की थी. खास करके अभी का जो समय है, डर का जो माहौल है, उसमें तो ये चैनल बहुत ही काम की थी. द बेस्ट पार्ट आई सॉ वॉज दैट दे वर रनिंग अ कैंपेन ऑफ ईच वन मोटिवेट वन टू गेट द वैक्सीन. सबसे श्रेष्ठ पार्ट ये था कि चैनल पे लोग एक कैंपेन चला रहे थे कि हर किसी को, कोई एक इंसान को मोटिवेट करना है वैक्सीन लेने के लिए. मास वैक्सीनेशन इज द ओनली श्योर शॉर्ट वे टू एंड द पैंडमिक एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द रिजल्ट्स इन इजराइल. सो मास वैक्सीनेशन यानी बहुत सारे लोगों का जब वैक्सीनेशन हो जाता है, यही एक तरीका है, बेस्ट तरीका है, श्योर शॉर्ट तरीका है कि हम इस महामारी का अंत ला सके. और हमने इजराइल में ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल देख लिया है कि इजराइल में बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और वहाँ पर केसेस बहुत सारे कम हो गए हैं. I was delighted to find such a channel and I shared the link with all possible people I know. I did this as a part of my contribution towards global health. मैं ऐसी चैनल को ढूंढ के बहुत ही खुश हो गया और जितने लोग हो सके उनके साथ मैंने ये लिंक, ये चैनल के लिंक को शेयर किया. और ये जो मैंने किया, लिंक शेयर की, वो मेरा योगदान था ग्लोबल हेल्थ की तरफ. I am very impressed with this social media information because I see negativity, depression and hopelessness everywhere. This channel was about hope and solutions. मैं ये चैनल से बहुत ही प्रभावित हूँ क्योंकि सब जगह मैं नकारात्मकता देखता हूँ, मायूसी देखता हूँ, होपलेसनेस देखता हूँ, लेकिन ये जो चैनल थी वो आशा और सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर रही थी. सो हम और रीजंस बता रहे हैं कि हमें ये चैनल या फिर ये सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग क्यों लगी. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये आइडिया भी पसंद आई होगी. अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स है, प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. आपका कोई फीडबैक है, आई विल बी ग्लैड टू रिसीव इट. एंड ये जो पर्टिकुलर क्यू कार्ड है, उसके फॉलोअप क्वेश्चंस की लिंक जल्दी से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी. ऑल द बेस्ट.